मैं दिल से सारा जोमेटो बॉय को सल्यूट करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग का मेहनत आप लोग बहुत करते हैं। तो क्या करते, थैंक यू आंटी। की वजह से 7-5 ऑर्डर करने से 425 मिलता है। 425 आपका, हाँ, मतलब आपका करीबन देना पड़ता है 8 घंटा टाइम देना, हाँ, पड़ता है, मतलब आपका 12,000 रुपया मंथली। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कस्टमर कॉपरेट नहीं करता बहुत टाइम में, और ऐसा भी तो होता हो कितना कस्टमर अच्छा मिलता होगा, हाँ, जरूर खुद से आता होगा, जरूर जरूर ये भी है, लेकिन ये क्या होता है ना, वो कस्टमर रेटिंग खराब दिया, पर जोमेटो वाला पूछना चाहिए क्यों खराब दिया जी? वो जोमेटो वाला देखता नहीं है क्यों खराब दिया, संग संग हम लोग का रेटिंग कम जाता है। हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, वेलकम टू माय चैनल। और गाइज, आज का जो टॉपिक है वो बिल्कुल हट के और बिल्कुल अलग है। आज जो है हम लोग एक जोमेटो बॉय का स्ट्रगल दिखाने वाले हैं कि उन लोग को किस किस मुश्किलों से का सामना करता पड़ता है डिलीवरी करते समय, और वो भी साइकिल में जो करते हैं भाई हमारे, जो साइकिल में करते हैं। और आज मैं खुद एक दिन के लिए जोमेटो बॉय बनूंगा और आप लोग को दिखाऊंगा कि क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ता है। क्योंकि गाइस, हम लोग को बहुत आसान लगता है कि हम लोग जैसे बस एक फ़ोन पे क्लिक कर देते हैं और खाना हम लोग के घर पे आ जाता है और हम लोग आराम से एसी में बैठ के रहते हैं, लेकिन एक इसके पीछे का स्ट्रगल। तो गाइस चलिए और चल के आज दिखाते हैं एक जोमेटो बॉय का स्ट्रगल, और इन लोग कितना एक दिन में अर्न करते हैं और घर कितना लेके जाते हैं खाने वाना खाने के बाद, वो हम आप लोग को आज दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस, आपका जोमेटो बॉय तैयार है, चलिए चलते हैं। तो गाइस देखिए, हमारा पहला ऑर्डर आ गया है, और पहला ऑर्डर जो आया है मेरिडियन होटल से आया है। तो चलिए अभी चल के रेस्टोरेंट और ऑर्डर पिक करते हैं। तो गाइस, हम लोग ऑर्डर ले लिए हैं, अब जल्द से चलिए और इसको डिलीवर करते हैं, कस्टमर के पास देते हैं। तो चलिए चलते हैं। फाइनली हम लोग कस्टमर का डेस्टिनेशन में आ गए हैं, और कस्टमर का 4 तल्ला में घर है। तो अभी हम लोग चलिए 4th फ्लोर चढ़ते हैं और चढ़ के डिलीवरी पूरा करते हैं। तो चलिए चलते हैं। आई 4 तल्ला चढ़ना है, समझ रहे हैं, मतलब आदमी लोग घर में बैठ के बोलता ऊपर आ जाओ, चलिए काम है करना तो पड़ेगा। तो गाइस, ऊपर में मतलब वो एक लेडीज थी, इसलिए हम लोग वहाँ पे वीडियो नहीं किए, लेकिन डिलीवरी दे दी। जोमेटो का जो कस्टमर लोग है, आप उसको क्या बोलना चाह रहे हैं? हम बोलना एक ही बात चाह रहे हैं भाई, लोकेशन सही दो, लोकेशन गलत देता है, जिसके कारण हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत हैरेसमेंट होता है। आज हुआ है, इतना हैरेसमेंट हुआ ना जी, लोकेशन सही नहीं था। अपना आप क्या राय देना चाहते कस्टमर को कि वो क्या करे? जो लोकेशन सही दे कम से कम, और देरी उनके कारण होता है, रेटिंग हम लोग को खराब देता है। जैसे रेटिंग खराब दिया, पर जोमेटो वाला पूछना चाहिए क्यों खराब दिया जी? वो जोमेटो वाला देखता नहीं है क्यों खराब दिया, संग संग हम लोग का रेटिंग कम जाता है। अच्छा, जैसे यहाँ पे परसेंटेज कस्टमर कैसा है, अच्छा है? अच्छा ज्यादा है। ऑर्डर भी आ गया है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, अभी हम लोग इंडिया होटल के पास आ गए, और यहाँ से हम लोग को जो ऑर्डर पिक करना है चिकन बिरयानी। एक बार बोलिएगा जोड़ो, इस्लाम साहब। अरे अंकल अंकल, मतलब बहुत अच्छे, हम जब आते हैं अंकल यहाँ पे मिलते हैं, और जब भी आप लोग आए तो अंकल को भी इस्लाम साहब यहाँ पे कर गया जाने का। 5876-8610 भाई है, और ये वर्जन 3 में कर रहे हैं। भाई आपको कैसा लग रहा है जोमेटो करके? मुझे तो हिंदी नहीं आता, बंगाली में बहुत अच्छा। आपने क्या मन लागे, मतलब हेलो ये तो स्वागत जो नो करछी आपनी, मतलब R15 है आपनी कोची जोमेटो केनो? এটা ঠিক পূজো আসছে, হাত খরচার জন্য একটু কাজে আর কি, বন্ধু বান্ধব থেকে আড্ডা মারা থেকে। ইন্ডিয়া হোটেল থেকে हम लोग अपना ऑर्डर पिक कर लिए हैं, और अब कस्टमर को हम लोग को ये जाके पहुंचाना है हेस्टिंग में। तो अभी हम लोग इंडिया होटल खिदिरपुर में हैं, और हम लोग को जाना है हेस्टिंग। तो चलिए फटाफट चलते हैं, क्योंकि लेट नहीं होना चाहिए, नहीं तो स्टार में फर्क पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं। 287। तो गाइस, ये वीडियो हम लोग आंटी का पूरा परमिशन लेके बना रहे हैं। आंटी आपसे परमिशन ले लिए ना हम लोग? आंटी ऐसी कर दी, थैंक यू आंटी। भैया, आप जोमेटो में कितने साल से हैं?
जोमेटो में पिछले एक साल से काम कर रहे हैं। पिछले एक साल से आप काम कर रहे हो जोमेटो में, और तो डेली आपका अर्निंग कितना होगा भाई? मेरा डेली का पहले तो बहुत कम था, तो अभी फिलहाल जो है MG ला दिया है। हाँ हाँ। क्योंकि लड़के बढ़ने की वजह से MG आ गया है। अच्छा। इसकी वजह से 7-5 ऑर्डर करने से 425 मिलता है। 425 आपका? हाँ। मतलब आपका करीबन करीबन देना पड़ता है 8 घंटा टाइम देना। हाँ। पड़ता है, मतलब आपका 12,000 रुपया मंथली। यस। और भाई क्या एक अच्छा चीज़ बताइए जोमेटो को जो आपको पर्सनली लगता हो? अच्छा चीज़ यही है कि अभी जो हम लोगों के पास कोई काम नहीं था, तो जोमेटो की वजह से हम लोगों को काम मिल गया है। हाँ। जिससे अपना एजुकेशन भी सही चल रहा है, मतलब अभी आप पढ़ाई भी करते हैं। हाँ। बहुत अच्छा भाई, ये सब वो मतलब इंस्पिरेशन, काम भी कर रहे और काम खुद कर रहे और पढ़ाई भी खुद कर रहे, मतलब अपना खर्चा खुद उठा रहे। और भाई कोई एक ऐसा मतलब खराबी बताइए जो आपको पर्सनली लगता है? सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये है कि आप पर्सनली क्या चाहते हैं कि क्या इम्प्रूवमेंट हो? इम्प्रूवमेंट यही हो कि जो कंपनी कमिटमेंट कर रहा है जी, उसको फॉलो करे, उसको फॉलो करे। जो हम लोगों को बोल रहा है फॉलो करने के लिए रूल्स, उतना ही रूल्स वो भी फॉलो करे। MG फ्रॉड बार बार ना डाले, टाइम रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा रहता है। तो भाई आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपने शेयर किया अपना एक्सपीरियंस, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। कितना कमाता है बर्थडे? बहुत पुराना बच्चा। मैं गाइज आप लोग को कुछ पर्सनल अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मैंने मतलब अराउंड पकड़ लिया है एक दिन जोमेटो बॉय बना, और बनकर मुझे ये फील आया कि मतलब इन लोग कितना मेहनत करते हुए गाइज, मतलब कड़ी धूप में कोई कस्टमर अगर फ़ोन करके बोला कि आप 4 तल्ला में चढ़ जाइए, तो इन लोग वहाँ भी आ जाते हैं। तो गाइज मेरा आप लोग से पर्सनली ये रिक्वेस्ट है कि आप भी एज अ ह्यूमन बींग, मतलब आप भी थोड़ा सा कोऑपरेट करिए इन लोग के साथ, क्योंकि इन लोग बहुत मेहनत करते हैं और इन लोग का जो पैसा है बहुत मेहनत का है। तो गाइज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा कोऑपरेट करिए, मतलब कोई अगर बोल दिया कि मैम थोड़ा नीचे आ जाइए या सर थोड़ा नीचे आ जाइए, तो आप लोग जाके ले लीजिए, क्योंकि इन लोग बहुत मेहनत करते हैं गाइज। मैं दिल से सारा जोमेटो बॉय को सल्यूट करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग का मेहनत आप लोग बहुत करते हैं। तो दोस्तों 15 मिनट इंतज़ार करने के बाद हमारा चौथा ऑर्डर आ गया है। तो गाइज हम लोग को फ़ोटो भी अपलोड करना पड़ता है खींच के, एज अ प्रूफ कि हम लोग उठा लिए, फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं खींच के, अब सबमिट करना है। पिकअप ऑर्डर, पिकअप ऑर्डर 5 स्टार, क्योंकि यहाँ का खाना बहुत अच्छा होता है, आर्मी भी अच्छी है। तो चलिए अब एड्रेस दिखा रहा है और चलिए चल के पिकअप कर रहे हैं। तो गाइज हम लोग लोकेशन पे पहुँच गए हैं और फोर्थ ऑर्डर अब कंप्लीट करेंगे। भाई को फ़ोन कर दिए, भाई खुद चल के रोड में आ रहे हैं, मतलब हम लोग को ऊपर नहीं चढ़ना है, भाई ने बोला खुद अब वेट करिए नीचे, मैं रोड पे आता हूँ। थैंक यू भाई, मतलब मेरे भाई इतने अच्छे हैं कि भाई ने बोला कि आप नीचे वेट करिए मैं खुद आता हूँ। भाई का घर ऊपर 3rd फ्लोर पे है, लेकिन भाई बोले मैं खुद आता हूँ। मतलब कितने मतलब अच्छे कस्टमर है, मतलब हर तरीके का कस्टमर मिलता है, अच्छे भी मिलता है और थोड़ा बदमाश भी मिलता है, लेकिन ऐसे ऐसे भी कस्टमर होते हैं। तो यही हमारा दिल में मतलब एक जोमेटो भाई को यही अच्छा लगता होगा। तो भाई थैंक यू, सब्सक्राइब करने बोल दिया भाई, सब्सक्राइब टू हिज चैनल, थैंक यू भाई। आप भाई हैं जोमेटो में कितने इनसे? एक साल होने वाला। एक साल होने वाला है, और आप मतलब डेली कितना घंटा देते हैं? मिनिमम 8 घंटा 9 घंटा। और अर्निंग भाई आपको कितना हो जाएगा सुबह से? 3,000 रुपये वीकली होता है। और डेली लमसम में कितना अमाउंट हो जाएगा? डेली लमसम खाना पानी छोड़ के, मतलब घर कितना ले जाते हैं आप? खाना पानी छोड़ के अगर देखा जाए तो हम लोग 250 रुपये से ज़्यादा लेके नहीं जाते। 250 रुपये 300 रुपये तक आप लोग ले जाते हैं। और आपको मतलब कोई एक अच्छा चीज़ बताइए जो आपको अच्छा लगता है जोमेटो करके? जोमेटो करके बस एक ही चीज़ का बेहतर लगा है, ये लॉकडाउन में कोई सहारा नहीं था, ये जोमेटो हमारा सहारा बना जी। मगर इससे ख़राब बस यही चीज़ लगता है जी कि इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है और अमाउंट बहुत कम है। तो मेरा अगर कोई जोमेटो वाला ये वीडियो देख रहे तो मेरा उनका अपील है कि देखिए मतलब आप लोग के लिए ये लोग खट रहे हैं दिन रात सुबह शाम, कड़ी धूप में, बरसात हो जो हो, 4 तल्ला बुलाता है कस्टमर, क्योंकि मैंने खुद एक दिन करके देख लिया, ये लोग सब करते हैं। आप लोग भी थोड़ा इन लोग के बारे में ज़रूर टाइम निकाल के सोचिए प्लीज़। भाई सब्सक्राइब करने बोल दीजिए, सब्सक्राइब, थैंक यू भाई। तो भाई ये रहा हमारा आज का लास्ट ऑर्डर, क्योंकि आज का जो टारगेट था भाई का हमारे तनिष का,
जो हमारी वीडियो बनाने में मदद कर रहा है। आज का ये लास्ट ऑर्डर क्योंकि उसके पास का ये कंप्लीट हो जाएगा टारगेट, और लास्ट ऑर्डर हमको जाना है 6 तल्ला मतलब 6 फ्लोर में जाके देना है, लेकिन गाइस काम है तो करना तो पड़ेगा। चलिए चलते 6 तल्ला। तो गाइस फाइनली 6 फ्लोर चढ़ा के हम लोग भाई को डिलीवरी पार्सल करने आ गए। आपका ये रहा। आप लिफ्ट से क्यों नहीं आए? लिफ्ट है। हाँ लिफ्ट है, वहाँ पर लिफ्ट था, हम लोग को पता नहीं था क्योंकि अननोन बिल्डिंग है, तो हम लोग स्टेयर से आए पर हम लोग लेकिन लिफ्ट से जाए। हाँ नहीं आए। तो गाइस आज का जोमेटो भाई का सफ़र हमारा यहीं तक था। पर्सनली एक दिन के लिए मैं जोमेटो भाई बना और मुझे बन के बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस शेयर करने का आप लोग से मौका मिला। क्योंकि गाइस मैंने एक दिन के लिए बन के देखा कि इन लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं, बहुत कोऑपरेट करते हैं आप लोग के साथ। अदर कस्टमर आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी इनके साथ थोड़ा कोऑपरेट कर लीजिए, अगर कहीं नीचे बुलाए थोड़ा भी आप लोग भी बड़े कि इधर उधर मतलब थोड़ा हट के आप लोग अपना घर से भी उतर के ले लीजिए जब इन लोग पार्सल लेके आए। और मैं जोमेटो के ओनर से बोलना चाह रहा हूँ, सर अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो ये मेरा हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश है कि आप लोग थोड़ा मतलब इन लोग के लिए फैसिलिटी बढ़ाएं और अपना पॉलिसी वगैरह थोड़ा इन लोग के फेवर में आप लोग चेंज करें, क्योंकि सर इन लोग बहुत मेहनत करते और अर्न करने के लिए कर रहे, अपना फैमिली के लिए कर रहे। तो मेरा आपसे ये गुजारिश रहेगा कि आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मतलब थोड़ा इन लोग का अर्निंग का और इंसेंटिव वगैरह आप बढ़ाएं, क्योंकि हर कोई अपना फैमिली के लिए अर्न कर रहा है। तो भाई बहुत हार्ड है, हर एक जोमेटो बॉय को दिल से सलाम, क्योंकि गाइज आप लोग का हार्डवर्क देख के मतलब आप लोग गाइज अमेजिंग है, आप लोग अमेजिंग है। और तनिष भाई ने हमारे वीडियो बनाने में बहुत मदद किया, तनिष भाई थैंक यू। और गाइस मेरा पर्सनली ये दुआ तनिष भाई के लिए कि आप भाई मतलब ज़ीरो से स्टार्ट किए और आप मतलब इंशाल्लाह बहुत आगे जाइएगा तनिष भाई। और आप जहाँ भी जाए भाई कामयाबी पाए। आप छोटा सफ़र से स्टार्ट किए हैं, आई होप कि आप भी कुछ बड़ा करिएगा एम में लाइफ, क्योंकि गाइस ये पढ़ाई भी कर रहे हैं और हार्डवर्क करके जोमेटो में काम भी कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं गाइस। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपका अगर कोई सजेशन है तो मुझे कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।